राकेश टिकैत की एक बार फिर पोल खुल गई है कि उनका एजेंडा क्या है। राकेश टिकैत शुरू से ही मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एजेंडा चलाते रहे हैं। टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छुपी तो नहीं है। किसान आंदोलन में भी देखा गया था कि राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर कम और भाजपा की सरकार की कमियों को अधिक गिनाते थे। राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनके राजनीतिक लालसा की सोच इस बात से भी जग जाहिर हो जाती है कि जिस राज्य में चुनाव आते हैं टिकैत वहीं पहुंच जाते थे भाजपा की कमियां गिनाने। अभी कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा में वो सभी नेता जुड़ रहे हैं जिनको या उनके मुद्दों को देश की जनता ने नकार दिया है। इसमें अब राकेश टिकैत का नाम भी जुड़ गया है। ये वही टिकैत हैं जिन्होंने कहा था कि हम इस यात्रा में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हम गैर राजनीतिक दल हैं। लेकिन अब खुद टिकैत राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि राकेश टिकैत इस यात्रा में अपने लिए या खबरों में कैसे बने रहे उसके लिए अवसर के रूप में दिखे हों। उदाहरण के लिए योगेंद्र यादव को ही ले लीजिए। आखिर किस लिए राकेश टिकैत मिले राहुल गांधी से, आपको बताते हैं उनके मिलने का मंतव्य। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राकेश टिकैत राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ योगेंद्र यादव भी राहुल से मिले। वहीं राकेश टिकैत ने राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और लिखा, आज हरियाणा के जनपद अंबाला में राहुल गांधी जी से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। चर्चा में छत्तीसगढ़ में चल रहा नवा रायपुर किसान आंदोलन, हिमाचल और राजस्थान और अन्य राज्यों के किसान मुद्दों को लेकर संवाद किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत जीत की मौजूदगी में अन्नदाताओं के साथ उनकी समस्याओं पर संवाद किया। हालांकि ट्विटर यूजर ने राकेश टिकैत और राहुल गांधी के राजनीतिक स्टंट पर निशाना साधा। एक यूजर ने टिकैत को जवाब देते हुए लिखा, इस पप्पू को पता है कि किसान और खेती क्या होती है, गरीब की समस्या क्या है। जब मोदी जी कुछ करना चाह रहे थे, नए कृषि कानून ला रहे थे, तो तुमने बिचौलियों को अपना ईमान बेच दिया। आज किसान उसी पापा के कारण तरक्की नहीं कर पाया। आज भी बिचौलिए सस्ते में लेकर मंडी में महंगे में बेचता है। वहीं एक यूजर ने लिखा, अगर साहब आप भी किसानों के हितैषी हैं तो राहुल गांधी ने राजस्थान में किसानों का सभी कर्ज माफ कर देंगे, ये एक वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वहीं श्याम नाम के एक यूजर ने लिखा कि इन तीनों कांग्रेस शासित राज्यों में किसान समस्याएं और हो रहे किसान आंदोलन पर सिर्फ संवाद करेंगे, वहां जाकर किसानों के साथ धरने में नहीं बैठेंगे। अच्छी नीति है आपकी। इसके अलावा भी कई और लोगों ने टिकैत पर निशाना साधा है। बहुत से लोगों को ये राजनीतिक फोटोशूट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। एक तरफ तो राहुल गांधी किसानों की समस्या पर संवाद कर रहे हैं, दूसरी ओर हिमाचल में चुनकर आई उनकी नई नवेली सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए जो किसानों के सर्वोच्च प्राथमिकता की वस्तु है। ऐसे में राहुल की कथनी और करनी में काफी फर्क देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।